विजिबल? यस सर। So here we are going to start now, starting with the important questions of unit number 4 of electromagnetic and field theory subject of third year ENTC. These questions have most probable chances of asking in end semester examination. So unit 4 is time varying electromagnetic fields, Maxwell equations. So let's start with this. So first of all, the theory part, if I have to discuss, in that the first question will be, derive an expression for EMF in moving conducting loop a time varying field. Yes. Question number two. ये जो क्वेश्चन नंबर वन बताया मैंने, इसका एक इक्वेशन है, वो इट मे बी आस्ड, वो मैं इक्वेशन लिख के देता हूं आपको. वो इक्वेशन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल फॉर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डीबी बाई डी टी डॉट डीएस प्लस डेल क्रॉस बी डॉट डीएल. अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो ऐसा है कि ये ध्यान से देखना. राइट मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर टाइम वेरिंग फील्ड और समटाइम दे में आस्क फॉर मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड. यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको. नोट नोट क्या करना है आपको, नोट क्या लिखना है इसमें. इसके अंदर नोट ऐसा है कि इसके अंदर पॉइंट फॉर्म में भी आने चाहिए एंड इंटीग्रल फॉर्म में भी आने चाहिए आपको. ठीक है, अभी मैक्सवेल के जो इक्वेशंस है वो कौन कौन से है मेनली, तो वो आता है आपका फैराडेज लॉ, उसके बाद आता है एम्पियर्स लॉ,
उसके बाद आता है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फिर आता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक और आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, अभी मोस्टली आई वुड से दैट 100% टाइम द चांसेस आर कि डायरेक्टली वो लोग मैक्सवेल इक्वेशन ही पूछ लेते हैं। इट्स नॉट लाइक कि दे स्पेसिफिकली आस्क कि आप इसके चारों के जो अलग अलग आप डिराइव करके दिखाओ, बट यू मस्ट नो डेरिवेशन ऑफ ईच लॉ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। मतलब आपको फैराडेज लॉ भी कैसे आता है वो भी मालूम होना चाहिए, एम्पियर सर्किट लॉ कैसे आता है वो भी मालूम होना चाहिए, गॉस लॉ कैसे है ई का, गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड का, एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन जो रहता है वो मोस्टली एम्पियर, जब आपको डायरेक्टली मैक्सवेल इक्वेशन पूछा जाता है उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने मेंशन नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, बट अगर पॉसिबल है तो मेंशन करो। अभी मैं सर, आपको, अगर मैक्सवेल इक्वेशन पूछा तो सभी लिखना पड़ेगा क्या? मतलब पांचों के हाँ, पांचों पांचों? के पांचों पॉइंट फॉर्म में भी और इंटीग्रल फॉर्म में भी, विद कंडीशन कि अगर आपको उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आप पॉइंट फॉर्म में ही लिखो या तो इंटीग्रल फॉर्म में लिखो तो ही, अदरवाइज आपको दोनों आने चाहिए। मतलब पांचों लॉ दोनों फॉर्म में आने चाहिए, पॉइंट फॉर्म में भी और इंटीग्रल फॉर्म में भी। समझा क्या? यस सर। अभी आपके सिलेबस में मैक्सवेल इक्वेशन के साथ मैं क्यों इसको फोर्स कर रहा हूँ कि डेरिवेशन सबके आने चाहिए, बिकॉज आपके सिलेबस में फेरेडेज लॉ अलग से लिखा हुआ है, तो उसका स्टेटमेंट भी आपको मालूम होना चाहिए और उसकी इक्वेशन भी मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा कंटिन्यूटी इक्वेशन भी अलग से लिखी हुई है आपके सिलेबस में, तो इसका भी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट अगर कोई है तो ठीक है, और इसका इक्वेशन, स्टेटमेंट एंड इक्वेशन इसका भी सेम। ठीक है, अभी एम्पियर सर्किट लॉ जो है, उसका इक्वेशन होता है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। ठीक है, अभी ये जो जे होता है इसमें दो टाइप के करंट होते हैं डेंसिटी, एक होता है जे सी और एक होता है जे डी। तो जेसी जो है वो कंडक्शन करंट डेंसिटी है, एंड जेडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। ठीक है, अभी होता क्या है, इसके अंदर इसका जो डेरिवेशन, एक छोटा सा डेरिवेशन है किसका, जेडी का, प्लस ये डेरिवेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए, प्लस ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है इसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो ईच लॉ को ठीक से पढ़ो, उसका लास्ट में एक टेबल बनना, वो जो टेबल बनेगा वो टाइम वेरिंग फील्ड के लिए बनेगा, बाद में उस टाइम वेरिंग फील्ड को स्टैटिक फील्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, वहां पे जहाँ पे भी डेबा बाई डेबा टी है वहां जीरो पुट कर दो तो वो स्टैटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो पॉइंट फॉर्म में भी आना चाहिए आपको और इंटीग्रल फॉर्म में भी आना चाहिए, पांचों के पांचों। ठीक है, बाद में एम्पियर सर्किट लॉ में जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का टर्म है वो भी थोड़ा सा देखो आप अच्छे से। ठीक है, उसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। फॉर स्टैटिक फील्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर
फील्ड पुट डेबा बाय डेबा टी इज इक्वल टू जीरो इन टाइम वेरिंग फील्ड. ठीक है, जो मेरा नोट था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे. तो ये दो क्वेश्चन थे. अभी थर्ड क्वेश्चन जो थ्योरी का है वो है पॉन्टिंग थ्योरम पॉन्टिंग वेक्टर के ऊपर. इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूव पॉन्टिंग थ्योरम. इंटरप्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म. टाइप का क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर. What is its significance derived and expression for Ponting vector? तो इस वे से भी आ सकता है या तो ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया उस वे से भी आ सकता है. इसमें मैं नोट बताता हूँ आपको कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट में जैसा लिखा था आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ दैट. तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कमिट द मिस्टेक सेम इन द इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन. इसका अगर इक्वेशन देखे हम लोग पॉन्टिंग थ्योरम का तो इसमें कैसे एक्सप्लेन करना है आपने E इज इक्वल टू E क्रॉस H वेयर P इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ जस्ट अ सेकेंड. यूनिट एरिया क्या यूनिट एरिया एनर्जी. फॉर यूनिट और यूनिट एरिया. एरिया एंड ई एंड एच तो आपको मालूम है क्या है. ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एच इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड. अभी इसका जो एक इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन ऐसा है ये इक्वेशन है. तो इसमें
ये जो एक इक्वेशन आई है डेरिवेशन से, ये लिखने पे आपका पूरा पॉइंटिंग वेक्टर का, पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब जो LHS है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो नेट पावर फ्लोइंग आउट ऑफ सरफेस दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, या टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम, और टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम। और जब आप ये लिख रहे हो तो वहां पे ये इक्वेशन जो LHS का वो भी लिख दो, ये जो वापस से ये इतना इक्वेशन है ना वो भी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, दूसरा क्या बचता है, RHS। क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर, जो भी बोलो आप। तो RHS के अंदर दो पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो इंडिकेट करता है क्या है, वो माइनस ऑफ तो दिस इंडिकेट पावर डिसिपेटेड, क्या इंडिकेट करता पावर डिसिपेटेड, या आप इस वैसे भी लिख सकते हो उसको टोटल ओमिक पावर लॉस, टोटल पावर लॉस, पावर लॉस। दूसरा जो RHS का पार्ट है वो है हाफ ऑफ म्यू एच स्क्वायर प्लस सिग्मा डीवी, दैट इज रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड, दिस इंडिकेट रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन ENH, ENH। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, तो इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से आप लिखो, अभी होता क्या है आप दूसरी दूसरी बुक पढ़ोगे, दूसरी दूसरी चीजें दी होंगी, उसमें कुछ अलग से भी ईटा के टर्म्स में इक्वेशन दी है, ईटा स्क्वायर के टर्म्स में दिए, वो सब भी लिखना है तो लिखो, नो इश्यू। बट ये जो चीज मैंने बताई है वो तो लिखो एटलीस्ट, आप इसका पूरा डेरिवेशन है वो लिखना है, कि खाली मैं ये इक्वेशन जो लिखी है मैंने ऐसा नहीं, इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन है वो लिखना है पूरा। ठीक तो इतना आपने इसमें करने का है डेरिवेशन के साथ, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक यस हेलो हेलो यस सर, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, नो। सो इफ वी सी, इसके अंदर ये तीन टॉपिक ही है जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट के हिसाब से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर वन, इसके अंदर एक चीज और आता है वो भी आप पढ़ लेना। इसके अंदर आता है कि इसके अंदर एक आता है
ट्रांसलेशनल मोशन और एक आता है मोशनल ईएमएफ। ट्रांसलेशनल ईएमएफ एंड मोशनल ईएमएफ, जब मैंने जो क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आप जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे आपके, और वहीं से ये इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई है वो आएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो थ्योरी पार्ट में इस यूनिट में इतने ये तीन क्वेश्चन ही है, न्यूमेरिकल की बात करें अगर हम लोग तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बट एज पर द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई कैन सजेस्ट यू, अगर आपको लगता है कि उतना करना है तो करो, वरना आपके हिसाब से करो, क्योंकि इस यूनिट के ऊपर मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये है, फिर भी मैं बता के रखता हूँ आपको। एक न्यूमेरिकल जो है ना आप लोग करके रखो इसके ऊपर, ट्रांसलेशनल एंड मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करके रखो, इसका डेरिवेटिव मैंने इसमें से दो क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। या ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था पहला, जो मैंने अभी ड्रॉ किया वो, या तो एक ये वाला जो है ना, इस टाइप का फिगर का क्वेश्चन है, आप देखो, दिस इज रेजिस्टेंस, ये वाले दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है मतलब है, थोड़ा फार भी चांसेस अगर मैं बोलूँ तो है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस है, क्योंकि तो इसमें वेरिएशंस बहुत है, वैरायटीज बहुत है, आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस
सेटिस्फाइज मैक्सवेल इक्वेशंस। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, E इज इक्वल टू 20 y माइनस kt, अगर टाइम हो जाता है तो तुरंत ज्वाइन करो वापस से, az वोल्ट पर मीटर एंड h इज इक्वल टू y प्लस 2 × 10^60। या कुछ भी मतलब दूसरा एक ऐसा आ सकता है कि d इज इक्वल टू 6 ax माइनस 2 y ay प्लस 2 z az नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड एच जो है वो क्या है, एच इज kx ax माइनस 10 y ay माइनस 25 z az एम्पियर पर मीटर। है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो मे बी दे कैन आस्क यू। ठीक है, दूसरा इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है लाइक गिवन इज इक्वल टू ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई इन फ्री स्पेस, फाइंड डी बी एंड एच, स्केच E एंड H एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इसके अलावा पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग थ्योरम के ऊपर एक या दो न्यूमेरिकल बुक में दिए हुए हैं, वो आप देख के जाओ। तो ये जो दोनों मैंने बनाया है पेज, ये मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, आप लोग इसको गूगल क्लासरूम पे देख लो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 4। सो 3 क्वेश्चंस ऑन थ्योरी पार्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड 3 or 4 न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट्स इट, इफ यू डू आई गेट इट मोस्टली इट हैज टू कवर ऑल द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 4। सो दिस इज अबाउट थर्ड एंड फोर्थ यूनिट दैट वी हैव डिस्कस टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट। Is that okay? यस Hello? सर, यस सर, थैंक यू सो मच, Okay, चलेगा। थैंक यू बाय, सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। नीट सर। मैं अपलोड कर देता हूँ।